बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं, ना अति वर्षा ना अति धूप ना अति वक्ता ना अति चूप। यानी इस कहावत का अर्थ ये है, अति किसी चीज की अच्छी नहीं है। ना जाने क्यों ये कहावत भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी को समझ नहीं आई। ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी जब जाते हैं यूपी के सुल्तानपुर में अपनी मां मेनका गांधी की वोटिंग के लिए प्रचार करने, तो ये कहावत वरुण गांधी के जहन से बाहर चली जाती है और यहां अखिलेश यादव पर, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए वो इतना अतिवाद कर जाते हैं कि अब उनके अतिवाद आरोप उनकी मां मेनका गांधी की हार की ओर निशाना कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां सुल्तानपुर की राजनीति पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सुल्तानपुर की राजनीति, सुल्तानपुर वो सीट है जिसकी अगर आप शुरुआत से नजर डालेंगे, अगर सुल्तानपुर के इतिहास पर गौर करेंगे, तो ये सीट, यहाँ की सत्ता अक्सर कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि यहां पर लगातार 3 बार जीत दर्ज कराकर हैट्रिक भी मारी है, लेकिन इन सब के बीच में एक वक्त पर जिस सुल्तानपुर को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, उसी सुल्तानपुर में साल 2014 में वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतरते हैं, चुनाव जीतते हैं, और इन सब के बीच में वरुण गांधी सुल्तानपुर की जनता से भली भांति परिचित थे। बावजूद इसके सुल्तानपुर की जमी पर जाकर काफी कुछ ऐसा कह गए हैं जिसकी वजह से उनकी मां मेनका गांधी को अब हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश भारत की राजनीति का मिजाज ही कुछ ऐसा है। यहां पर जातियों के नाम पर राजनीति होती है। भारत में अक्सर देखा जाता है, यादव समुदाय की बात कर लीजिए, आप पटेल समुदाय की बात कर लीजिए, लोग अक्सर जातियों के आधार पर अपना वोट बैंक सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। राजनेता ये हथकंडे हमेशा से अपनाते आए हैं और फिलहाल जाने या अनजाने वरुण गांधी सुल्तानपुर में अपने भाषणों में 2 वाक्य ऐसे बोल गए हैं जिसकी वजह से उनकी मां मेनका गांधी की जीत इस सीट पर मुश्किल में पड़ चुकी है। वरुण गांधी का एक बयान था अखिलेश यादव के परिवार के लिए, अखिलेश यादव की राजनीति के लिए, सपा बसपा के गठबंधन के लिए, और दूसरा उनका बयान था सुल्तानपुर की जमीन पर मेनका गांधी के सामने बतौर उम्मीदवार खड़े सोनू सिंह को लेकर। इन्हीं 2 समुदाय को लेकर कुछ ऐसी बयानबाजी वरुण गांधी ने कर दी है जिसके लिए अब उनकी मां मेनका की जीत कठिन हो गई है। क्या बोले हैं वरुण गांधी ऐसा अपने भाषण में, अपनी जनसभा को जो संबोधित करते हुए शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उसमें क्या ऐसा अतिवाद हो गया जिससे भारतीय जनता पार्टी की काया सुल्तानपुर में पलट सकती है, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा, बीजेपी लीडर और सांसद वरुण गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर अपनी मां व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के प्रचार के लिए पहुंचे। बता दें आपको, यहां पर वरुण गांधी गए तो थे मां मेनका के हित के लिए प्रचार करने, लेकिन यहां जाकर उन्होंने कई ऐसे बयान दे दिए हैं जिनकी वजह से वो अपनी मां मेनका गांधी के फिलहाल खिलाफ ही खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, वरुण गांधी ने अपनी मां मेनका का प्रचार तो किया, लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस प्रचार से मेनका गांधी का फायदा होगा, क्योंकि आसार तो ये नजर आ रहे हैं कि वरुण गांधी अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी मां मेनका गांधी के खिलाफ प्रचार करके सुल्तानपुर की जमी पर आ चुके हैं। बता दें आपको, सुल्तानपुर में इस बार का चुनाव मेनका के लिए आसान नहीं बल्कि कठिन है, क्योंकि उनका मुकाबला महागठबंधन के उम्मीदवार से है, लेकिन वरुण के बयान मेनका के चुनाव को और भी ज्यादा कठिन बना बैठे हैं। बता दें आपको, मेनका ने सुल्तानपुर में अपने कैंपेन को काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में मुस्लिमों पर दिए गए बयान की वजह से मेनका गांधी काफी ज्यादा फंस गई थी, चुनाव आयोग ने उन्हें फटकार भी लगाई और सुल्तानपुर के मुसलमानों ने उनका बहिष्कार भी किया, लेकिन किसी तरह से अपनी बिगड़ी हुई बातों को एक नई दिशा देते हुए मेनका गांधी ने इन सारी चीजों को संभालने की कोशिश की। अब इन सबके बीच में बेटे वरुण गांधी जो पहुंचे हैं सुल्तानपुर की जमी पर, उन्होंने अपनी मां मेनका के किए कराए पर पानी फेर दिया है। जी हां, वरुण गांधी ने 2 बयान दिए हैं जो मेनका की पूरी कवायद पर पानी फेर देते हैं। गौर हो कि महागठबंधन की ओर से सुल्तानपुर जिले में
बाहुबली इमेज वाले सोनू सिंह को मैदान जंग में उतारा गया है, जिसकी वजह से दो बिरादरियां वहां असहज मानी जा रही हैं। यादव समुदाय के आने वाले रेवेन्यू अफसर की हत्या का आरोप झेल रहे सोनू सिंह को यादव समाज पसंद नहीं करता। इसके अलावा सोनू सिंह और उनके भाई मोनू के उभार को स्थानीय ठाकुर नेता अपने लिए अच्छा नहीं मानते। ऐसे में ये दो बिरादरियां चुनाव में उनके खिलाफ राजनीतिक वोटिंग कर सकती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो मेनका गांधी ने अब तक चुनाव प्रचार को सोनू सिंह की छवि पर फोकस किया। इसके अलावा यादव और ठाकुरों में उन्हें लेकर असहजता का भी इस्तेमाल अपने पक्ष में किया। लेकिन वरुण गांधी की ओर से जो यहाँ उन्होंने बयान मुलायम परिवार पर दिया, वरुण गांधी ने जो टिप्पणी मुलायम परिवार पर की, मुलायम परिवार से हमारा मतलब है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव। बता दे आपको, वरुण गांधी ने अपने बयान में कहा था कंडे उठाने वाले करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, और सोनू सिंह के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों से तो वो अपने जूते बंधवाते हैं। वरुण गांधी के ये बयान उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनके इस बयान से यादव समाज के साथ ही क्षत्रिय बिरादरी भी मेनका गांधी के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर यादव परिवार और सोनू सिंह इनकी बिरादरी को लेकर वरुण गांधी ने अनजाने में या जानबूझकर जो बयानबाजी की है उसका खामियाजा 12 मई यानी सुल्तानपुर के मतदान वाले दिन मेनका गांधी को भुगतना पड़ सकता है। बता दें आपको, वरुण गांधी ने 2014 के आम चुनाव में सुल्तानपुर से जीत हासिल की, लेकिन इस बार वो पीलीभीत चले गए और सुल्तानपुर की जमीन पर जब प्रचार करने आए तो अपनी मां मेनका के लिए किसी न किसी तरह से मुश्किलें बढ़ाकर चले गए। अब सवाल यहां पर ये है कि वरुण गांधी अपनी ही मां के खिलाफ इस तरह का प्रचार क्यों देकर आए हैं। वरुण गांधी जो 2014 में सुल्तानपुर की सीट को जीत चुके हैं, वो अच्छी तरह से जानते थे कि सुल्तानपुर की जनता पर इस तरह के बयानों का असर पड़ेगा। वरुण गांधी भली बात ही जानते थे कि सुल्तानपुर की जनता में जो यादव और क्षत्रिय दल है उनकी मानसिकता क्या है, और किस तरीके से अगर वो अखिलेश यादव और यहाँ सोनू इन्हें लेकर बयानबाजी करेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इन सब के बीच में आपको बता दें, वरुण गांधी के प्रचार से मेनका गांधी को फायदा होगा या नुकसान, ये यहाँ पर फिलहाल सवाल 10 करोड़ का बन चुका है, क्योंकि सोनू सिंह की छवि पर फोकस किया गया। इसके अलावा अगर यादव और ठाकुर समाज सोनू सिंह के खिलाफ हो भी तो भी यहाँ पर अब पूरी तरह से क्षत्रिय दल जो है वो और मुलायम सिंह यादव के परिवार को जो लोग सपोर्ट करते थे वो मेनका गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की जमीन पर साफ तौर पर दिखाई पड़ेंगे, जिसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा 23 मई को चुनावी नतीजों के दौरान देखना होगा।